नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिए जाने वाले फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें, सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत तैयार होने वाले इस परियोजना को मंजूरी दे दी। मार्च 2028 में पूरी होने वाली इस परियोजना पर 2584 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति CCEA के इस फैसले से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि और 10 लाख से अधिक लोगों को पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों और यूपी के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि पर अंतरिक्ष सिंचाई हो सकेगी। इसमें 9,458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड और 47,607 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है। बता दें, इस परियोजना के तहत नैनीताल में गौला नदी के तट पर बसे जमरानी गांव के बांध का निर्माण किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।